नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज दी पब्लिक में स्वागत है। बड़ी और विशेष खबर आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के अंदर राजनीति विवाद शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं बिहार के विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा, जो बीजेपी के नेता है, अपना पद छोड़ने से मना कर रहे हैं। साफ साफ इसे बीजेपी की दादागिरी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा। और ये देखिए बीजेपी के नेताओं की दादागिरी के बाद आपको बता दें कि आखिर क्या फैसला लेगी यहाँ की सरकार। देखते हैं कि राज्यपाल आखिर क्या फैसला लेंगे। ज़बरदस्ती उन्हें उठाकर फेंकना पड़ेगा या बिहार के अंदर बीजेपी की पावर चलती रहेगी या डंडा के दम पर बिहार के अंदर राज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा साफ साफ देखा जा सकता है। बड़ी और विशेष खबर आपको बताना चाहूँगा कि असली गेम शुरू हो चुका है। इस्तीफा नहीं देने पर अड़े स्पीकर। अब बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वह नियमों के खिलाफ है। आपको बताना चाहूँगा कि सत्ता परिवर्तन हुए 13 दिन हो चुके हैं और अब तक विजय सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है और इस्तीफा देने का टाइम जो 14 दिन होता है वो टाइम भी पूरा हो चुका है और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर जारी किया गया है। 50 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र यहाँ पर सौंपा गया है 10 अगस्त को और आज 23 अगस्त लगभग 13-14 दिन हो चुके हैं, जिस पर 14 दिन तक कोई चर्चा नहीं हो सकती और नोटिस देने के बाद 14 दिनों के अंदर कार्रवाई करनी होती है और आज 17-24 अगस्त को शुरू होगा और देखते हैं कि कल आखिर क्या फैसला होगा। लेकिन डंडे के दम पर भाजपा स्पीकर विजय सिन्हा यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे, क्या डंडे के दम पर भाजपा राज करती रहेगी बिहार के अंदर या कुछ नया फैसला लिया जाएंगे? कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।